Sitam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Rajitaya Nishtadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadhi Gauru Bhakta Vrinda Bala Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Bala Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Sarvatam Madhya Gurupad Padma Nitalila Pravishna Vishnu Pada Shotra Sata Sri 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 Madhvati Sri Rupa Siddhanta Goswami Maharaj ki charan kamal mein anant koti sashtam dandavat pranam karta tatpashchat mere sikhya guru pad padma nitalila pravishnam vishnu pad shodar sada sri 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 madhavati vedanta trilla narayan goswami maharaj ki charan sarjan mein shraddha goswami ke arpan karta upasthi samasta vaishnava vaishnaviyon ko yathavidhi pranam karta hare krishna gata kala hum log श्रवण कर रहे थे स्वर्णकाल ऋषियों ने श्री सुत गोस्वामी को उन्हें छह प्रश्न किए, लेकिन जिन प्रश्न को सुन करके श्री सुत गोस्वामी की रोम रोम खेल उठा, भले इनका रोम रोम क्यों खेल उठा, भले कारण है वो जितने प्रश्न हैं ये सब के सब भगवत संबंधित प्रश्न, कोई ये दुनियादारी का कोई बात उसमें था नहीं। इसलिए संत लोग क्या चाहते भक्त लोग केवल हरि चर्चा ही जिनका जीवन का सारी है, इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम अपना गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करते हुए बोले नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्रदान करते हैं सबसे पहले किसको प्रणाम करनी चाहिए, प्रथम अंतो गुरुं पूज्यं ततश्चैव वाचः, सबसे पहले बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं जो गुरुपाद पद्म कैसे उदाहरण में जैसे कमल है, कमल से जैसे खुशबू निकलती है, कमल जैसे देखने में सुंदर है और उसका सहेज जैसे सुंदर है, बोले गुरुपाद पद्म के चरण में भी ये सारे चीज गुरु जी के चरण में विद्यमान है, इसलिए उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हुए उसको बाद में नारायणम नमस्कृत उसको बाद में श्री नारायण और नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं और जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हुए और कहते श्री सरस्वती देवी को भी प्रणाम करते हैं। कहते ये सरस्वती कौन है, कहते एक तो जड़ विद्या को देने वाले और एक सुधा सरस्वती जो हमें अपराकृत जो दिव्य जो ज्ञान को प्रदान करने वाले, यहाँ पर कोई साधारण सरस्वती नहीं, यहाँ पर श्री भक्ति देवी श्री सरस्वती को प्रणाम करते हुए बोले तत्व जय, उसको बाद में श्री व्यास देव को बोले तत्व जय बोली रहे, उसको बाद में फिर ये भागवत को आरंभ करनी चाहिए। इसलिए पहला जो प्रश्न था कौन सा प्रश्न था, आत्मा का प्रसन्नता कैसे हो व आत्मा को शांति कैसे मिले, तो पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं बोले सबई पुंसं परो धर्म जप भक्ति रथस्यते आहय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। कहते आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा का प्रसन्नता कैसे होगा, बोले सबई पुंसं परो धर्म जगत में जितने पुरुष है, यहाँ पर जो बता रहे हैं यहाँ पर पुरुष मतलब सब जीव होगा है, हर जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, पर धर्म क्या है, जगत में बहुत सारे धर्म है, जैसे पिता माता की सेवा करना भी धर्म है, स्कूल कॉलेज भी खोलना धर्म है,
गुरुजन को आदर करना भी धर्म है। जगत में बहुत धर्म है, लेकिन ये जितने सारे धर्म, ये धर्म ही कभी ये सब के सब कर्तव्य है, ये जीव का धर्म नहीं, ये सब कर्तव्य है। लेकिन कहते सभी पुंसान बई मतलब होता है, ये संस्कृत में जब ये बई शब्द कहीं पर व्यवहार हो है, इसका समझना ये निश्चित रूप में, ये बई शब्द निश्चित रूप में होता है, है? कहते ये निश्चित रूप में जीव का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कौन सा धर्म है? जब तो भक्ति रधक सजे, जो अध्यक्ष जो भगवान है उनको भक्ति करना ही यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ है नहीं, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यता। इसलिए ममई मांस जीवलो के जीव भूत सनातन, इसलिए कृष्ण भक्ति छोड़कर के जगत में जीव का और कोई धर्म है नहीं, यही एक ही धर्म है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री सनातन गोस्वामी ने क्या प्रश्न किया था के आमी के नमरे जारे तापत रहे बिहार नाही जानी पैसे मर ठीक है। इसलिए उन्होंने भी यही प्रश्न किया था, है क्या प्रश्न है के आमी मतलब मैं कौन हूँ, के नमरे जारे तापत रहे। कोई तो संसार में दुख को कोई निमंत्रण देते ही नहीं, लेकिन बगैर निमंत्रण के ये संसार में दुख फिर क्यों आता है? जब उन्होंने प्रश्न की, महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया करते संसार। जगत में जितने दुख का कारण है सब कृष्ण को भूलने का वजह से ही ये सारे दुख है। इसलिए जीव का एक ही धर्म है भगवत दासोत करना। अब सब लोग बोलेंगे हम तो भगवान की भक्ति कर ही रहे, बता जगत में कौन ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, सब भक्ति करते हैं, पर ये दुख क्यों है? कहते जैसे कैसे भक्ति करनी चाहिए तब दूसरे लाइन में भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उन्हें बोले दो तरह से भक्ति करनी चाहिए, बोले एक तो अहरि दुखी और एक है अप्रतिहता। भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हमारी भक्ति कैसे, देखो ठाकुर के पास में 10 रुपया की माला ले लेकर कहते 10 रुपया की बाता से रख ठाकुर के सामने रख, लेकिन एक पर्चा भी वहां पर रख लें वो कम से कम तो 10 करोड़ हो, वो कम से कम 10 करोड़ का पर्चा होगा उसमें। अरे ठाकुर जी इसलिए आपको 10 रुपया की बाता से लेकर फूल चढ़ा रहा, हमारे घर में बेटी की शादी अभी तक नहीं हो रही, बेटा का नौकरी लगी है, हमारे घर में ये रोग है, सामने वाला को देखो 3-4 मंजिल अभी हम 1 मंजिल में, सामने वाले इतने बढ़िया सुंदर कार में चल रहे हैं अभी हम बाइक में चल रहे हैं। ठाकुर जी इसलिए आपको इसलिए चढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप हमारे घर में आओ और आ करके हमारा दुकान दुकान बना दो, बेटी की शादी करा दो, बेटा का नौकरी करा दो और मकान बढ़िया से। इसलिए इसको भक्ति नहीं कहती है। इसलिए ना जन्म ना जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरी भवता भक्ति अहि दुहि तोई। इसलिए जो भक्ति वो निष्काम होनी चाहिए। इसलिए जी हनुमान जी को जो भगवान बोले, बोले हनुमान जी बर मांगो, हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देवो श्री रंग बजा सरोज अनुपाई भगत सदा सदसंग। इसलिए यहाँ पर अनुपाय अहि दुहि भक्ति और चरण की उन्होंने सेवा प्रार्थना की। इसलिए जिसको रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद अनावृत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपम, यहाँ पर उत्तम भक्ति कहते हैं जिसमें कोई अभिलाष नहीं रहनी चाहिए, ज्ञान कर्म के द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, और जो भक्ति है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इसलिए इस श्लोक का आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हो, प्रभु जी से आप लोग सुने बहुत इस श्लोक की बहुत व्याख्या की है। इसलिए जो भक्ति है ये स्वरूप सिद्धा भक्ति होनी चाहिए, संग सिद्धा और
आरोप सीधा भक्ति नहीं, ये निर्गुणा भक्ति भक्ति या निर्गुणा भक्ति होनी चाहिए, ये स्वरूप सीधा भक्ति होनी चाहिए। भक्ति ऐसे एक तो अहै तुकि और एक है अप्रतिहता। भक्ति में जैसे सूरज का किरण है, अगर बीच में अगर मेघ आ जाए ना तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट सूर्य किरण नहीं पड़ा वहां पर बीच में या मेघ आ गया। इसे जो भक्ति होनी चाहिए, गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे एक सहज जब डालो देखना उसमें एक धागा बन जाती है, उसमें एक धागा बन जाती है। क्या तो भक्ति कैसे होनी चाहिए, बल्कि ये भक्ति निरंतर जब ही भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, देखो जब हम माला भी जब करते हैं ना, माला तो ले लिया, माला तो जब कर लेकिन मन और कहीं मन माला में है नहीं, बिखे अप्रति अप्रतिबता स्वाद में रसाई बिखे रसा स्वाद है ये लय बिखे है, नहीं तो सोई जाते हैं, नहीं तो मन ये माला कब खत्म होगा, अभी कोई माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा हो गया। इसलिए रसा स्वाद है, इधर हरिनाम कर रहे हैं लेकिन मन तो और कहीं पर नहीं, लेकिन इधर माला भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है। इसलिए ऐसे भक्ति नहीं, जो भक्ति कैसे होनी चाहिए, बस जितना समय माला तकिया माला किया उसको बाद में जो माला छोड़ दिए, अगर सोलह माला करते हैं ना, देख लेना अगर सोलह माला करते हैं, अगर किसी तरह से सोलह माला पूरी होगी ना, कहते भैया प्रणाम आज और नहीं है आज सारा दिन और दर्शन नहीं है। इसलिए उसके बाद अगर मैंने कहा इसलिए जो भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले छब्बीस घंटा में छब्बीस घंटा है कि सहने की भजन की बात जागरण आहार निश्चित कृष्णा बोला भगत ने एकदम जैसे गुरुदेव उदाहरण करते हैं, जैसे धागा एकदम पूरा धागा बन जाती है। भक्ति निरंतर जमय भक्ति होनी चाहिए, अगर जब ऐसे निरंतर जमय भक्ति होगा ना, उसको द्वारा किया होगा जया आत्मा सम प्रसिद्धि, तभी आत्मा को पूर्ण शांति तभी मिलेगी है। इसलिए उन्होंने पहला प्रश्न को उन्होंने उत्तर दिया है, उसको बाद बोले वसुदेव भगवती बोले हाँ। और एक श्लोक कहते हैं बोले एता बानी बोलो पश्चिमी लोग याद है पुंसा धर्म परस्मृत भक्ति जोग भगवती तन्नाम ग्रहण दिवि। इसलिए कभी जो श्लोक है कभी जाम ने जो दूतों को इस श्लोक कहे, जब महाराज अपने दूतों को ठीक सबई पुरुषा करो धर्म, ये जो श्लोक के ठीक अनुरूप ये श्लोक है क्या कहते भगवा तक एता बानेव लोकस्मी पुंसाम धर्म परस्मृत, यदि पुरुष मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म किया बोले भक्ति योग भगवती तन्नाम करना दिवी, भगवान के प्रति जो भक्ति योग है यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म, और क्या है बोले तन्नाम करना दिवी, उनका जो नाम विशेष करके कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये जो पहला जो श्लोक था, यदि ये पहला श्लोक का पहला जो प्रश्न था, ये पहला प्रश्न का ये उत्तर है। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या था, कहते कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, बोले एतत् निर्विद्यमानानां भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय था, क्योंकि उनको पता है कलयुग का जो जीव ज्यादा कठोर तपस्या कर ही नहीं सकता, इसलिए अलग अलग युग में अलग अलग धर्म था। जिस सत्य युग में क्या था, कृते जत धायते विष्णु ध्यान था, बाल्य विपुण तो उतने मराम राम करते करते उनको शरीर में सारा शरीर एकदम दिमग लग गया है, सारा शरीर दिमग लग गया, तभी जब आए बिना अंदर से श्री राम श्री राम श्री राम भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, दिमग लग गया शरीर में, क्योंकि जो सत्य युग में जो प्राण रहता था जबकि मज्जा के अंदर में प्राण रहता था, लेकिन कलयुग का प्राण कहाँ पर है,
अन्न, पेट में अन्न गया तो सही काम करेगा। एक महीने अगर एकादशी व्रत रखे ना, 15 दिन में एक बार एकादशी व्रत आती है, लेकिन एकादशी व्रत भी हम सही से नहीं करते। एकादशी का दूसरे दिन जो बने बने, लेकिन एकादशी में बढ़िया पकौड़ा और मखाना का खीर और मूंगफली और सब्जी फ्रूट क्रीम हलवा चकाचक। इसलिए एकादशी का दिन भी 15 दिन में एक दिन भी है जो व्रत रखना कलयुग के लिए संभव नहीं। अगर कोई निर्जला व्रत रखेगा ना एकादशी का दिन, अगर उसको कोई सेवा की बात तो बलाजन में व्रत रखना, मतलब एक दिन भी व्रत रखने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए सत्ययुग में हजार हजार साल तक तपस्या कर, 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल तक तपस्या करते थे। त्रेता युग में रोज यज्ञ करना है, रोज आहुति के पास यज्ञ के पास में बैठ के रोज यज्ञ करना। और त्रेता युग में द्वापर युग में अर्चन सेवा पूजा कर्पूर तांबूल और पंचामृत घी और धूप दीप नैवेद्य क्या क्या पता नहीं क्या क्या, लेकिन भगवान ने देखा कलयुग का जी ये सब कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कलयुग में सबसे आसान उन्होंने मार्ग दे दिया क्या भगवान की, कुछ करने का जरूरत नहीं, भगवान के केवल नाम जप करो। कलयुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। एक स्टोरी सुन लो, स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी का मैंने सुना। बोले एक समय ये चार भाई है, कौन कौन, सत्य त्रेता द्वापर और कलि, ये चार भाई है। अब ये चार भाई में अभी तीन भाई लोग राज्य कर लग चुके हैं, कौन, सत्य त्रेता द्वापर अलग ही राज्य कर चुके हैं। अभी कलियुग अभी राजगति पर बैठ कर राज्य कर रहा है। एक दिन कलि के जो तीनों जो बड़े भाई थे, बोले हम भी तो राज्य किया, अभी हमारा सबसे छोटा भाई राजगति पर बैठ करके राज्य शासन कर रहे हैं, चलो हम थोड़ा छोटा भाई से मिल करके आते हैं। छोटा भाई राज्य के ही चला रहा है। अभी तीनों भाई मिलने के लिए आए, तब आ करके चौकीदार को बोले, जाकर कलयुग को बोलो उनके तीनों बड़े भाई उनसे मिलने के लिए आए, जाकर को बोलो। लेकिन जब जाकर के बोला, बोले तीन व्यक्ति कोई आए, कहते हैं परिचय देते हैं आपका बड़े तीन भाई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनते ही कलि को तो बड़ा क्रोध आया, बोले जाओ उनको बोल दो मेरे पास कोई समय नहीं उनसे मिलने का, उनको भगा दो मार दो। उसने आकर के बोले आपका नाम सुनते तो आपका जो छोटा भाई वो बिगड़ गया, बोले उनसे आप मिलना नहीं चाहते तो भगा दो उनको। अभी तीनों भाई सोच रहे हैं हम इतने दूर से आए, हम बड़े भाई लगते हैं, छोटे भाई से मिलने के लिए आए, हमारा नाम सुनकर बिगड़ रहा है। बोले एक बार जाकर के बोलो, हम कोई ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, बस आंखों में आंख मिलाकर चले जाएंगे, हैं? इतने में जाओ जाकर के बोले, वो कहते आंखों में आंखों मिलाकर चले जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे तो और बिगड़ेगा, बोले उसका मुंह तक भी नहीं देखना, बोल बता दो तीनों को वहां से। खैर उसने आया आकर के बोले, बोले आपका नाम सुनकर तुम्हारा मुंह भी देखना तक नहीं चाहते, आपका नाम सुनकर तो बिगड़ गए। बोले भैया बड़े दूर से आए और एक बार हमारे वो करके बोलो, ज्यादा कहीं बोलेंगे नहीं, थोड़े से मिलना चाहते, जो बहुत उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मान्य, बोले ठीक है तीनों को बुला करके गए। जब तीनों को बुला करके लाए, अभी जो बड़ा भाई था ना, सबसे बड़ा कौन था, सत्ययुग कलयुग, तो बड़ा काट लगाए, बोले इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, तुम तो आए राज्य तो किया है, लेकिन तुमने लोगों का कल्याण तुमने किया, कुछ कल्याण नहीं किया लोगों को, केवल परेशानी परेशानी करवाए, क्योंकि कृते जत ध्यायते विष्णु। सत्ययुग में था धर्म का क्या ध्यान, और ध्यान करने के लिए बिना खाए पिए कोई तो चार तरफ की कोई आग जला करके, कोई सर नीचा और टांग ऊंचा करके, एक अंगुल पर खड़ा हो करके, हैं, बिना खाए पिए कठोर तपस्या सत्ययुग में था। केवल तुमने लोगों को परेशानी परेशानी किया और तुमने कुछ भी नहीं किया, और दिया दिया धर्म अर्थ काम अगर मांगा तो देखो ये हमारे हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, तपस्या किया हिरण्यकशिपु, एक अंगुल पर खड़ा हो 60,000 साल,
7000 साल में तपस्या की, एक अमृत पर खड़े होकर के उनको मिला क्या हम लोग? हाँ, शरीर हमारे सुवर्ण में हो जाए तो दिया जी, दिन में नहीं बनेगा, रात में नहीं बनेगा, बाहर नहीं भीतर नहीं, बन गया है। इसलिए कठोर तपस्या तुमने लोग को तो बहुत परिश्रम करवाया, लेकिन दिया क्या? वही धर्म अर्थ काम दिया। अगर ज्यादा से ज्यादा कोई बोल दिया ना उनको मोक्ष देना, तो मुक्ति भी के पास हो गया, और तो कुछ दिया ही नहीं उनको है। अगर कोई तपस्या भी किया, अगर दिया था तो वैकुंठ जो दे दिया, और क्या किया, और कुछ दिया है इतने परिश्रम के बाद में। फिर हमने तृतीया जी को भी शासन में किया, बोले क्यों? बोले तृतीया जगतम थे, तृतीया जी का युग धर्म यज्ञ, और यज्ञ करने के लिए घी लाओ, पंचामृत लाओ, और हवन सामग्री लाओ, लकड़ी लाओ, धूप दीप लाओ, लाओ लाओ लाओ, इतना पैसा खर्चा करो, और यज्ञ के पास में बैठ, जब बैठ गए, जब घुमा फिर निकलते हैं, फिर हाथ की जो लपेट निकलता है बड़ा आकर्षण होता है। यज्ञ कभी किया जब आग निकले, फिर तुम भी खर्चा करवाया और लोगों को परेशानी परेशानी किया, लेकिन दिया तो क्या दिया? वही धर्म अर्थ काम क्षमा दे दिया, यहाँ तक दे दिया, लोग परेशान परेशान करवाया। द्वापर जी को डांट, बोले क्यों? बोले द्वापर एक परिचर्या, परिचर्या का पहले पंचामृत लाओ है, पंचामृत धूप दूध दही घी शक्कर ये सब के सब लाओ, फिर धूप दीप नैवेद्य फूल माला चंदन अगुर कर्पूर लाओ, इतना पैसा खर्च करवाया, और करवा करके क्या तुमने क्या दिया लोगों को? वही धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक चीज देकर लोग भगवा दिए लोगों को। तब कलयुग कहते हैं, देखो अभी मैं कलयुग आया, कभी कलयुग में कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई तपस्या की जरूरत नहीं, कोई साधन भजन किसी चीज की करने का जरूरत नहीं। बोले सुलभम भगवत नामम जिमाचर बस व्यक्ति ना, सुलभम भगवत नामम, क्या तो भगवान नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत है? भगवान कहते हैं जब मेरे नाम को लेने के लिए तुम कोई पैसा देना तो पड़ेगा, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान क्या क्या कलयुग में सारे शक्ति अपना नाम में दे दिया। बोले नियमित स्मरण का काल, भगवान यहाँ तक भी बताए नहीं मेरे नाम लेने के लिए कोई समय की जरूरत, कोई पवित्रता की जरूरत, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। बस केवल वोट हिलने पर क्या होगा? बस वोट हिलने पर भगवान का नाम उच्चारण होता है बिना पैसा। फिर जो तीन युग में जो साधन है वो उसमें परिश्रम है, तपस्या में भी कष्ट है, यज्ञ में भी कष्ट है, पूजा सेवा में भी कष्ट है, लेकिन हरिम नाम में देखना कष्ट नहीं। भगवान का नाम लेने में कष्ट क्या आनंद है, कीर्तन जब करते हैं उसमें कष्ट होता है ना आनंद होता है। इसलिए स्वामी महाराज को बोल दिया, लोग सब के सब पार्टी करना चाहते हैं, रोज रोज पार्टी, हाँ पार्टी में जाने के लिए तैयार, रोज पार्टी करो ना। बोले क्या है पार्टी में क्या होता है? बोले तीन चीज, ध्यान सिंह ईटिंग और सिंगिंग। बोले ध्यान सिंह कृष्ण कीर्तन जो रोज नाचो, ईटिंग रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना, और मधुसूदन रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाते, और हमारे श्री प्रभु जी खिचड़ी प्रसाद रोज रोज दाल दूध डालिया क्या क्या बनाते हैं, और सिंगी मुरार प्रभु सिंह सिंगी इडली सांभर रोज बनाते, कहते सिंगिंग गाओ तो भगवान कीर्तन का। कहते कलयुग में जो साधन है ना वो कष्ट साधन नहीं है, कलयुग का जो साधन है वो तो सरल साधन है और उसमें आनंद है, लेकिन प्राप्ति क्या है इसमें? प्राप्ति किया इसलिए कहते ना के जावी के जावी रे भाई भाव से दोपार धन काली जोगे साधन सरल है, लेकिन जो प्राप्ति है ना, प्राप्ति क्या है? जैसे ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस चीज के लिए वो भी तरसते हैं, महाप्रभु ने किया क्या? मुक्त हाथों से वो दुर्लभ प्रेम को बजा लिया, घर का निवास हाथ मतलब ताली बजा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
राम राम हरि, बस दुर्लभ वस्तु। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इतत निर्विद्यमाना नाम इच्छता भकुत निगम योगी नाम नृप निर्मित हरि नामानो कीर्तनम। सबके सब जितने शास्त्र ग्रंथ जितने विद्वान जितने सबके सब एकट होकर के एक ही बात बताए, कलयुग में हरि नामानो कीर्तनम। कलयुग में हरि नाम कीर्तन ही कलयुग में सबसे यही सर्व साधन है। इसलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस हरि नाम संकीर्तन की, बस सचिनंदन गौर हरि की, गौर प्रभु की।